विद्वानता को ध्यान रखते हुए चित्त को प्रभु चर्चा की ओर ले चलते हैं। आपने सुना कि वो परम कृपाल हैं, प्रणत अनुरागी, तो एक स्पष्ट बात सामने आती है कि मन अगर हमारा प्रभु के समीप जाता है तो उसमें सद्गुणों का अपने आप प्रभाव बढ़ जाता है। अगर आप मन प्रभु के पास ले जाते हैं तो आपके मन में शांति, आनंद, उत्साह, संवेदनशीलता, निर्भयता, निश्चिंतता, सरसता आके रहेगी। तो हम इतना ही निवेदन कर रहे थे ना, कथा तो चल रही है लेकिन मन हमारा परमात्मा की ओर उन्मुख रहे हैं। तो आए प्रभु चर्चा की ओर चलें, जहाँ आप सुन रहे थे गत दिनों में गोस्वामी जी वंदना प्रकरण में व्यास जी की वंदना करते हुए कह रहे थे कि व्यास आदि कवि पुंगव नाना। व्यास जी की वंदना करता हूँ जो श्रेष्ठ हैं, वर हैं, और उन जैसे जो समकक्षी हैं सबका वंदन करता हूँ, जिन सादर हर प्रभु सुजस बखाना, जिन्होंने आदर के साथ प्रभु यश का वर्णन किया। निवेदन कर रहे थे हमको ये भी जानना चाहिए कि प्रभु यश का वर्णन आदर के साथ होना चाहिए, है ना। जो शास्त्र और संत हैं वो किसी भी रूप से कहें, हम लोगों के लिए तो आज्ञा ही होती है ना। वो उन्होंने कहा जिन सादर प्रभु सुजस बखाना, तो सादर सुजस बखाने का अर्थ प्रियता के साथ, उत्साह के साथ, सावधानी के साथ। जब कोई वर्णन होता है तो वो आदर बुद्धि उसमें मानी जाती है। ये चीज प्रियता माने ये चीज मुझे पानी ही है, इसलिए मुझे लेखन करना है, श्रवण करना है, वाचन करना है, प्रभु मेरे अपने हैं ऐसा मान करके। हमने कल भी छुआ था इन शब्दों को, कोई भी कर्तव्य कर्म अगर आप परमात्मा से जोड़ करके करोगे तो वो बोझिल नहीं होगा, दद्दा मेरे आपको श्रमित नहीं करेगा, उसमें उत्साह भी रहेगा, गुणवत्ता भी रहेगी आपके उस कार्य में। आप करके देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको हम लोग अपने जीवन में अपना सकते हैं। श्रवण भी हमें इसी विधि से करना है, कथन भी इसी विधि, देखिए कथन और श्रवण अच्छा लगेगा। जो भी कर्तव्य कर्म है तो जिन सादर हरि सुजस बखाना चरण कमल, सुना आपने बंदो तिन केरे, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, माने जिनका आचरण सदैव असंग रहा, वो गृहस्थी में रहे, लेखन भी करते रहे, सब कुछ रहा, संसार में प्रवृत्ति है लेकिन वो हमेशा उससे असंग रहे, माने ऐसा हो सकता है, ऐसा हमको करना है, ऐसा हमको जानना है। पूर्व सकल मनोरथ मेरे, अब वहां प्रार्थना करते हैं पुंगव कवियों से, श्रेष्ठ कवियों से, भगवान के यश वर्णन करने वाले कवियों को श्रेष्ठ उपाधि दी जा रही है। तो उनसे पूर्व सकल मनोरथ मेरे, आपने सुना गोस्वामी जी कह रहे हैं आप सब लोग हमारे मनोरथ को पूर्ण करें, है ना। विस्तार से सुना मनोरथ उनका क्या है,
कि मेरी कविता है ना रसवती हुई हो, हमारी बुद्धि सुंदर हो, जिससे मैं ऐसी कविता की रचना कर पाऊं जो रसवती हो, सबको आनंदित करने वाली हो और अंततः जो वाचन श्रवण करे उसका कल्याण हो, इतनी बड़ी चीज उसमें हो जाए, ये हमारा मनोरथ है। आगे बढ़ते हैं, कलि के कविन करूं परनामा। मैं कलयुग के, अब वो तो कलयुग में ही लिख रहे हैं, लगभग हमें लगता है 400-475-80 वर्ष के आसपास की बात है, 500 में अभी कुछ कम है थोड़े से। तो कलि के कविन करूं परनामा, मैं कलयुग के कवियों को भी प्रणाम करता हूं, जिन वर्णे, और कवियों में भी वर्णन किनको प्रणाम है, ले जिन वर्णे रघुपति गुणग्रामा। देखो रघुपति गुणग्राम जिसने भी वर्णन किया वो वंदनीय है, माने वर्णन में वंदनीय चीज प्रभु यश है। अच्छा क्यों प्रभु यश है वंदनीय, इसलिए है कि चाहे कलयुग में वर्णन किया, चाहे त्रेता में वर्णन किया जाए, चाहे सतयुग में वर्णन किया जाए, द्वापर में वर्णन किया, जो पढ़े सुनेगा उसका कल्याण होना ही है। जिन सादर हरि सुजस बखाना, देखो आ रही है ना बात, कलि के कविन करूं परनामा, जिन वर्णे रघुपति गुण ग्रामा, जिन्होंने भगवान राम के गुणानुवाद का, प्रभु का, परमात्मा का गुणानुवाद किया। आगे बोलते हैं जे प्रा, कलयुग में भी जे प्राकृत कवि, लेकिन फिर एक शब्द पीछे लगा है, परम सयाने है ना, देखो और जो प्राकृत कवि, मैंने प्राकृत कवि जिन्होंने लोक भाषा में गायन किया, प्राकृतिक देववाणी में नहीं किया, उन्होंने लोक भाषा में किया, जैसे कबीर बाबा की है, सूरदास जी की वाणी है, ये अभी हुए कलयुग में, लगभग समकक्षी थे। परम सयाने, परम सयाने इसलिए हैं, वो सयाने नहीं है, परम सयाने, परम सयाने माने उन्होंने उस तत्व को ग्रामीण भाषा में उद्धत कर दिया, जिसको कहना मुश्किल है, देववाणी का प्रयोग होता है इन चीजों को लाने में, लेकिन वो इतने सयाने रहे, अन तत्व को अनुभूत किए हुए रहे, कि उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल ग्रामीण भाषा में उद्धत कर दिया, लिख दिया, बता दिया। परम सयानापन तो यही है ना, कि बड़ी बात को सरल करके बता दिया जाए। मैं उनको भी प्रणाम, उनको प्रणाम करता हूं। आप सुनना सूरदास जी महाराज के पद सुनो आप, है ना, मीराबाई जी हुई, कितनी कनी, बोले भाव सागर अब सूख ही गयो, फिकर नहीं मैं तरनन की, है ना, अब लागी लगन हरे चल। कितनी सरलता से बोले, अगर हरि के चरणों में लगन लग जाए तो भाव सागर आपको पार करने की जरूरत नहीं है, वो सूख जाता है। अब देखो कितने सरल शब्दों में उन्होंने इतनी बड़ी बात को कह दिया। परम सयाने हैं कि नहीं है, अब ये बात अगर संस्कृत में या किसी और चीज में जब होती है तो ध्यान रखना, लेकिन उसका महत्व तो कम नहीं है, ऐसे नहीं सोचना है ना। कारण यह है कि जो प्राकृत कवि हैं उनका दृष्टांत अगर आप दे दो तो लोगों को जल्दी समझ में बात आ जाती है। आज भी महाराज ब्रह्मसूत्र पर, उपनिषद पर एक तो चर्चा ही नहीं होती, भगवद गीता पर चर्चा नहीं होती है ढंग से, और वो गीता जी के नाम पर नहीं, से तो सब अच्छा है, गलत तो नहीं है, इसलिए टिप्पणी नहीं है, लेकिन कौन सुनता है। हम लोग कलयुग में बुद्धि उतनी स्थिर नहीं है,
मन में उतनी श्रद्धा है ना उसके लिए, उस तरह का मन लेके आना, क्योंकि जो प्रस्थानत त्रयी है उसको श्रवण करने के लिए एक विशिष्ट मन चाहिए होता है, मन बना के आना पड़ता है। जब भागवत कोई करता है तो उसको बताया जाता है कि भैया आपको 7 दिन ऐसे रहना है, गंदी बात नहीं करनी, गंदे लोगों के बीच बैठना नहीं है, व्रत पूर्वक नियम पूर्वक रहना है। तो ये सब क्यों बताया जाता है? ताकि आपका मन श्रवण करने लायक रहे। देखो बहुत दुनियादारी करो आप, हमारा भी अनुभव है आपका भी होगा, और तत्काल अगर आप कहीं एकाग्र होना चाहो तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। थोड़ी तैयारी अगर पहले से हो ना तो बात बनती है। हम निवेदन ये कर रहे थे तो इस कलयुग में प्रस्थानत्रयी माने ब्रह्म सूत्र उपनिषद और भगवद गीता, इनको भी इनका भी विवरण वर्णन करने में व्याख्यान करने में भी, जब तक आप जब आप रामचरितमानस या सूरदास जी की दोहावली, कबीरदास जी के दोहे, इनको अगर आप लगा दें श्लोकों के साथ तो व्यक्ति को समझ में आ जाता है, पक्का हो जाता है उसके अंदर हाँ ये है। तो इसको ऐसे भी हम लोग कह लेते हैं सरल भाषा में, जब तक इनका प्रयोग न किया जाए तब तक वेदांत भी खुलता नहीं है। सर्वसाधारण के बीच तो किसी बड़ी चीज को शास्त्र को लाने का तरीका यही बनता है कि आप श्लोक बोलिए, शास्त्रीय भाषा में बोलिए, फिर उसको उतार दीजिए किन प्राकृत भाषा के ग्रंथों में, सरल हो जाएगी बात। इसलिए ये परम सयाने, गोस्वामी जी कह रहे हैं जे प्राकृत कवि परम सयाने। क्यों भाई परम सयाने हैं? भाषा जिन हरि चरित बखाने, जिन्होंने भगवान के चरित्र को भाषा में, भाषा माने लोक भाषा, स्थानीय भाषा में, देव भाषा में नहीं, संस्कृत देव भाषा है, उन्होंने इनमें वर्णन कर दिया। क्योंकि कलयुग में महाराज इसकी बहुत जरूरत है। भागवत जी आप जब लेके चलो तभी प्राकृत जो लोक भाषा के ग्रंथ हैं इनका सहारा अगर ना लें तो काफी कठिन पड़ता है। अगर आप उसमें उतार दें तो वो बात हम सबको समझ में आ जाती है। अच्छे से अच्छा आप वैदिक सूत्र बोलो, शास्त्रीय भाषा में बोलो, उतनी अच्छी पकड़, बड़ी अच्छी पकड़ तभी जब प्राकृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथों को लगा दिया जाए, उनको बोला जाए, वहां से पुष्ट किया जाए। तो कह रहे हैं जे प्राकृत कवि परम सयाने। क्यों परम सयाने? बोले भाषा जिन हरिचरित बखाने, भाषा उन्होंने लोक रखी, क्षेत्रीय रखी, लेकिन वर्णन में कसर नहीं छोड़ी। वर्णन वो घूम के भगवान का ही कर रहे हैं। ऐसे जो भय माने पीछे हो गए आहई, उनके जो समकालीन थे जे हुई हैं आगे, मैंने गोस्वामी जी सबको लेके चल रहे हैं। भय जे आहई जे हुई हैं आगे, प्रणवों समय हम सबको प्रणाम करते हैं। और एक बात कह दी, कपट सब त्यागे। अच्छा कपट सब त्यागे का क्या मतलब होता है? देखो है ना, अब ये कपट बीच में आ गया, बोले कपट सब त्यागे। बोले वैसा नहीं है जैसा मानवीय वृत्ति में प्रायः होता है कि भीतर भीतर तो ये लगता है कि हम इनसे ऊंचे हैं और बाहर से कह रहे हैं भाई हम तो बहुत है ना प्रणाम कर रहे हैं। तो अब भीतर से ऊंचे समझना, बाहर से प्रणत होना, तो ये तो कपट हो गया ना, इसी को कपट बोला। ऐसा नहीं है, हम हृदय से आपको प्रणाम कर रहे हैं, हम आपको समकक्षी नहीं मान रहे, बराबरी का भी नहीं मान रहे, आप बड़े हो हम समझ रहे हैं इसको। प्रणवों सभी,
सभी में अब तीनों आ गए, अप्राकृत प्राकृत और जो होंगे हैं और थे जितने भी कवि हैं। अब स्टाफ का मामला है गोस्वामी जी के, है ना। तो प्रायः ये भी एक बात होती है, स्टाफ में बराबरी जैसा कुछ एक आ जाता है तो बोले भीतर से तो बराबरी है ना, बड़ा मानो तो और बाहर से हैं, बोले नहीं नहीं प्रणमो सभी कपट सब त्यागे। हमारे भीतर कोई ऐसा छल नहीं है, सारे कपट छोड़ करके हमने बता दिया, आपने अपना हृदय आप लोगों के सामने खोल दिया, अब आप लोग हो प्रसन्न। अब हम इसके आगे क्या कह सकते, गोस्वामी जी बोल रहे कवियों से, संतों से, विद्वानों से जिन्होंने भगवत यश का वर्णन किया, हो प्रसन्न देव वरदान, मुझे एक वरदान चाहिए आपसे, देव मांग रहे हैं, प्रार्थना है ये, जहां कुछ मांग होती है उसको प्रार्थना बोलते हैं, आप लोग प्रसन्न होइए और मुझे एक वरदान दीजिए, देव वरदानु। और वरदान क्या मांग रहे हैं, बोले क्या चाहिए आपको, बोले साधु समाज भनित सन्मानु, ये वरदान महाराज मांग रहे हैं। मेरा जो काव्य है, जो मैं ग्रंथ रचना करने जा रहा हूं, साधु समाज में उसको जगह मिले, साधु समाज उसको सम्मान करे उसका, ये बड़ी बात है महाराज। क्योंकि साधु लोग हैं वो किसी छिछली ओछी या इठी गुठी चीज का आदर थोड़ो करते हैं, कि पता लगे कोई भी पत्रिका आ गई तो सज्जन लोग उसमें टाइम नहीं खराब करते कि अमुक अभिनेत्री के यहाँ कल क्या बोले ढोकला बने थे, अब वो ही लिखा है उसमें, पढ़े जा रहे हैं आधा घंटा, नाम मुझे लेना नहीं है चूंकि सामने भगवान बैठे हैं हम, है ना, इसलिए। लेकिन आप समझ गए होगे ना, बोले अमुक ने ये इस तरह के बाल कटाए, हेयर स्टाइल, उसका हेयर स्टाइल दिखा रहे हैं वो लेखन में, और उसका फोटो बनाया और उस पर बड़ी चर्चा कर रहे हैं अमुक सैलून में, इतने पैसे का और इतने, और लोग उस पत्रिका पे टाइम खराब करते हैं। देखा है आपने, पढ़ते कि नहीं देखा है, हमने देखा है खूब, और बड़ी रुचि लेके फिर हम गौर करके भी देखा है मैंने कि अब देखो अब इनका है, इनको रुचि है। तो अब उस पत्रिका को अगर कोई साधु सज्जन है आपको कोई दे दे तो आप उसको क्या करोगे, बोले हमको समय थोड़ो खराब करना, क्या करना है इसका, हमका हमारा क्या लेना देना उसकी हेयर स्टाइल से और उनकी साड़ी से, और उन्होंने ढोकला घर में बनाया कि चाउमीन खाया, मुझे क्या उससे अंतर पड़ता है। साधु, साधु का केवल अर्थ वहां से मत ले लेना अपने मन का, केवल कपड़े पहनने वाला साधु है वो, किसी भी कपड़ों में हो सकता है, पवित्र हृदय लक्ष्य को ध्यान में रखने वाला। हाँ, तो जिसको अपना लक्ष्य याद है वो इस पे समय कैसे खराब कर सकता है, कैसे इन चीजों का सम्मान कर सकता है, बताओ आप। सम्मान माने काव्य को पढ़ना, उस पे समय देना। तो साधु किस लेखन का आदर करेगा, जिसमें विवेक होगा, जिसमें धर्म होगा, जिसमें उपासना होगी, जिसमें योग होगा, जिसमें वेदांत होगा। आज आप रामचरितमानस का आदर कर रहे हो, क्यों आदर कर रहे हो, क्योंकि गावत वेद पुराण अष्टदश तो आदर है। अब अगर अभी हॉलीवुड बॉलीवुड भरा होता या क्रिकेट की दुनिया, वो भी ग्रंथ आते हैं, ग्रंथ क्या बोलो, पत्रिकाएं आती हैं कि नहीं आती हैं महाराज, उसमें बड़े अच्छे पन्ने, बड़े महंगे कागज पर वो सब छपे होते हैं, हमको किसी ने बताया था ये बड़ी महंगी आती है। लेकिन हम जहां साधुता है वो तो आदर नहीं कर रहा ना, मैं निवेदन ये करना चाहता था, गोस्वामी जी की मांग ये है कि हे संतों कवियों विद्वानों, ऐसा मेरी कविता बनाओ, हो जाए साधु समाज
भनित सन्मानु, मेरे काव्य को संतों की सभा में सम्मान मिले। और एक बात इसमें निवेदन करता हूं, एक संत का उन्होंने नहीं कहा, आप इस पे भी ध्यान देना, साधु समाज आप थोड़ा आपको आगे चलना पड़ेगा। साधु समाज में भी महाराज अनेक संप्रदाय हैं, नागापंथ है ना, और द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शैवाद्वैत, अचिंत भेदा भेद, अनेक संप्रदाय, इनमें भी उप संप्रदाय हैं। वैष्णव, शैव, सौर्य, गाणपत्य, शाक्य, अलग अलग हैं, अलग अलग है। तो प्रायः अब कोई एक तरह की चीज है तो शिव के उपासक, भगवान शंकर के उपासक पढ़ते हैं, तो कई बार वैष्णव वाले है ना नहीं पढ़ते हैं। कई बार जो अद्वैत वेदांत है, पता लगे अचिंत भेदा भेद वाले उसको नहीं पढ़ते हैं, वो कहते नहीं हम तो अद्वैत वेदांत वाले। तो गोस्वामी जी की मांग ये है कि साधु समाज, हाँ, सब लोग आदर करें उसका। इसीलिए आप देखना रामचरितमानस महाराज सब लोग पढ़ते हैं, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा। भाई शिव उपासक हैं वो भी पढ़ेंगे, भगवान भोलेनाथ तो वहां मिल जाएंगे, शक्ति के उपासक हैं वो भी पढ़ेंगे, जय गजबदन खड़ानन माता, उनको अपना इष्ट मिल जाएगा, उनको अपना इष्ट मिल जाएगा। वो सबको लेके चलते हैं, दुर्गा जी के उपासक उनको अपने इष्ट मिल जाएंगे, सूर्य भगवान के उपासक उनको अपने इष्ट मिल जाएंगे। वो मांग कर रहे हैं सर्वसम्मत ग्रंथ हो हमारा, हो प्रसन्न देव वरदानु, मुझे वरदान दो कि मेरा जो काव्य है, मेरा जो ग्रंथ है, साधु समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करे। साधु समाज में हमारे सभी संत, मत, पंथ, मत, मतांतर, संप्रदाय, सब समाज, समाज आदर करें। क्यों? अब एक गोस्वामी जी और बड़ी बात आगे बोलते हैं, बढ़िया, जो प्रबंध नहीं बुध आदर ही, जिस रचना का आदर विद्वान लोग न करें, देखो सो श्रम बाद बाल कवि करें, बोले वो बाल बुद्धि की व्यर्थ रचना है। ये गोस्वामी जी का कहना है, कौन? जो प्रबंध नहीं बुध आदर नहीं, विद्वान लोग माने साधु हृदय के लोग, समझदार लोग, संत लोग जिसका आदर न करें वो रचना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि महाराज चटुकारों को आदर करने के लिए क्या है, वो तो उनको तो एक आप चाय समोसा खाली खिला दो, अरे वाह वाह, अरे हमने ऐसे भी महाराज लोग देखे हैं, अब उनके लोग बैठे रहते हैं प्रवचन में, और जब वो कुछ कहेंगे तो ताली बजाते हैं, तो बाद में जब उस पर गौर किया तो हमें ये लगा कि ये सिखा पढ़ा के बैठा ले गए थे। अब वो चाहे सिद्धांत से हटके बोल जाए तो भी ताली बज रही है। और आपको आनंद की बात बताएं, नाम नहीं लेंगे, अपने कानपुर की बात है, समझने के लिए बोल रहे हैं अन्यथा न लेना। एक सज्जन उठे और चल रही थी तुलसी जयंती, तुलसी जयंती में वो पता नहीं उनको क्या सूझा और अपना बोले गोस्वामी जी के कोई गुरु नहीं थे और बाद में उनकी बड़ी दुर्गति हुई और ये, और अपने मत की बात की उन्होंने, और उसमें बड़े मजे की बात, जब उन्होंने कहा गोस्वामी जी के कोई गुरु नहीं थे
उस पे ताली भी बजी। अब मुझे बड़ा आश्चर्य, बात महाराज भी ठूर की है, आप समझ गए होंगे, उस पे ताली बजी। अब वहां कई लोगों का माथा ठनका, अब ये ताली भी बज रही है, तब ये ताली बजाने वाले कौन लोग हैं? बाद में फिर उनको बताया गया नंबर आने पे कि उनके गुरु नहीं, उनके दो गुरु थे। एक शिक्षा गुरु थे नरिहर दास जी महाराज, और दीक्षा गुरु थे शेष सनातन जी। समझे? शेष सनातन जी काशी में थे। हाँ, नरिहर दास जी महाराज ने इनको भेजा था वहां वेदांत पढ़ने के लिए। 12 वर्ष इन्होंने उनकी सन्निधि में वेदांत का अध्ययन किया। इन्होंने तुलसी अचरित पढ़ा होगा, जिसने ये कहा कि इनके गुरु नहीं थे। नरिहर दास को तो लगभग हमारे कोषों में पढ़ाया जाता है। भैया वही तो आश्चर्य की बात है। और रामचरितमानस में जब तुलसी का शुरू में प्रारंभ दिया, उसमें भी दिया हुआ कि उनके गुरु नरिहर दास। जी जी जी, इसमें आश्चर्य ये तो कम है, ये ज्यादा है कि ताली बजी वहां। हम जो बात कहना चाहते थे तो जो वहां है ना, हाँ, अब वो ताली बजाने वाले, मैं निवेदन जो गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं वो पंक्ति है, वो कह रहे हैं जो प्रबंध नहीं बुद्ध आदर नहीं। तो वहां बुद्ध समाज जो था उन्होंने तो उस शब्दों का आदर नहीं किया, लेकिन उनको अच्छा लगा जब ताली बजी तो उन्हें लगा आदर हो रहा है। तो जी जी जी, शेष सनातन जी के सानिध्य में उन्होंने अध्ययन अध्यापन किया। उनकी जो शिक्षा हुई है ना वो इनके उसमें हुई जी। ये इनके दीक्षा गुरु थे जी। इन्हीं नरिहर दास जी महाराज ले गए थे इनको इनके गांव से। जी जी जी, आरंभिक अवस्था में, चलो थोड़ी चर्चा की बात है ना, बात ऐसी है। तो संक्षेप में, गोस्वामी जी का जन्म हुआ, तभी से कुछ विलक्षणता थी। तो आपने सुना होगा कि उन्होंने राम राम शब्द बोला और उनके 32 दांत थे। तो 32 दांत थे तो आप जानते हो कि समय में बड़ी अजीब अजीब सोच आज तक लोगों की है अलग अलग तरह की। तो कहीं किसी तरह ये चर्चा आ गई कि ये बालक बड़ा अनिष्टकारी है, और कुछ संयोग वसात ऐसा घट गया कि उसके बाद उनकी माँ जो थी वो भी खत्म हो गई, और उन्होंने चुनिया दासी को इनको सौंपा। तो संयोग की बात, कुछ दिन के बाद वो भी खत्म हो गई। तो लोग गोस्वामी जी को क्या बोलूं, आज की भाषा में नसुड्ढा बोलूं, क्या कहूं, इस तरह का मतलब समझने लगे कि ये अभागा बालक है। तो लोगों ने त्याग कर दिया इनका। तो धीरे धीरे समस्या यहां तक आ गई कि वो खुद लिखते हैं कि खाने की दिक्कत होने लगी, जबकि संपन्न परिवार से थे। तो कहा, चार चने को चटकत हों। तो ये हनुमान जी महाराज के मंदिर पे गांव के बाहर बैठे रहते थे, तो वहाँ लोग जब गुड़ चना चढ़ाने आते थे तो वो लिखते हैं उसमें, बोले हमारी बंदरों से लड़ाई होती थी, काहे के लिए, गुड़ चना के लिए। बंदर अपने लिए बैठे हैं, हम अपने लिए बैठे। फिर कहते हैं कि भगवती पार्वती अम्बा इनको भोजन कराने आने लगी, ये भी वर्णन। फिर नरिहर दास जी महाराज को भगवान शंकर ने स्वप्न दिया, तो वो आए, और आ करके उन्होंने जब गांव में ये प्रस्ताव रखा कि भाई ये बालक बड़ा तेजस्वी है, हम इसको ले जाना चाहते हैं, वो मिले मंदिर पे, वो आके रुके मंदिर पे, और वहाँ गोस्वामी जी मिले। तो इन्होंने प्रतिभा देखी। अब मिट्टी की परख तो कुम्हार को होती है ना, उनमें गुरुत्व था तो उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने गांव वालों से और सबसे चर्चा की
बोले कि अब ये बालक को बड़ा प्रतिभावान ले जाना, अरे बोले ले जाओ ले जाओ। तो गांव वाले तो भाई ऐसे सोच रहे थे ये अनिष्टकारी है, जाए किसी तरह से, हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसे वो नरिहर दास जी महाराज के साथ ये चले गए। जी जी, फिर उन्होंने इनको शेष सनातन जी को सौंपा और उन्होंने ये जिम्मेदारी दी कि आप इसकी शिक्षा दें, शिक्षक। जी जी जी, बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज। चर्चा हम ये कर रहे थे, वो कह रहे हैं जो प्रबंध नहीं बुध आदरही, ये महाराज लौकिक जीवन में भी सही है और पारमार्थिक जीवन में तो सही है। अरे भाई, चटुकार किसी चीज की प्रशंसा करें तो उसका उसमें कितना वजन हो सकता है। चटुकार एक बीड़ी पिला दो, बोले महाराज अरे वाजपेयी जी आप जैसा तो कोई है ही नहीं। अलो, जिस दिन मना कर दिया बोले वो कमलेश मिश्रा वो बिल्कुल बेकार है। लो, क्या मतलब है उसका? उनके अगर आप काम के हो वो तो अपना लाभ देखते हैं तो बहुत अच्छा। जिस दिन आपने काम नहीं किया बहुत बुरे। तो उनकी वाणी का और उनकी प्रशंसा और उनके आदर का कोई मूल्य नहीं है। हल्की छिछली सस्ती बात, अब वो तो उनको पसंद आ सकती है छिछले अंतःकरण में, है ना। जब अब नाम तो लेना नहीं चाहते लेकिन अब बोल देते हैं, अपने काम की चीज निकालना बाकी फेंक देना आप। अब वो जब आर्केस्ट्रा में भोंडे गीत गवते हैं तो वहां भी आदर है, वो तो उसका भी आदर कर देंगे, लेकिन साधु समाज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बोले उनको पता इससे हमारा मन गंदा हो जाएगा। तो वो दोनों बातें ध्यान रख। देखो एक चीज आपको और निवेदन करें महाराज, कि सामान्यता जैसे हम लोग तन गंदा से डरते हैं ना, भाई ध्यान रखते हो आप हमारे कपड़े गंदे ना हो, हमारा शरीर गंदा ना हो। ऐसे सज्जन वो है, संत वो है जो इतनी ही सावधानी मन गंदा होने पे भी रखता है। हमारा मन भी गंदा नहीं होना चाहिए जी, इसी तरह से उनको पता है कि गलत विषय आपने अगर मन में डाला, पीछे चर्चा हो चुकी महाराज, मन गंदा नहीं होता, मन के विषय गंदे होते हैं। अगर आप वहां से, मन तो सत्वगुण से निर्मित है, सोने से बना कटोरा महाराज सोना होता है। अब उसमें आप कूड़ा भर दो, मदिरा भर दो या चरणामृत भर दो, वो अलग बात है, तो वो गंदा अच्छा हो जाएगा। भाई स्वर्ण का पात्र है, आप उसमें गंदगी डाल दो तो बदबू आने लगेगी, तो इसमें पात्र की क्या कमी है? ऐसे मन है, मन सबका सत्वगुण का है महाराज। फिर मन अमुक का अच्छा है अमुक का गंदा है किस आधार पर बोला जाता है? कि उस मन में कैसे विषयों को उसने भरा है। ये तामसी विषयों को भरा है मन गंदा होगा, अच्छे विषयों को भरा है मन अच्छा होगा। हाँ, तो हम निवेदन ये कर रहे थे दद्दा मेरे, कि सज्जन जो साधु समाज है, जो जिनको बुद्ध कहा जा रहा है, वो अपने तन के साथ मन से, मन के विषय में भी बहुत सावधान रहते हैं कि हमारे मन में गंदी चीजें नहीं जानी चाहिए, नहीं वो गंदा हो जाएगा। देखो इसलिए वो गलत संगति, गलत भोजन, है ना, गलत श्रवण, गलत स्पर्श, बचते हैं उनसे। तो गलत लेखन का आदर नहीं कर सकते, ये देखो चुनाव करके पढ़ते हैं वो। और अगर प्रशंसा भी करेंगे तो हल्की थोती चीजों की नहीं, है ना, समय खराब करने वाली वाले ग्रंथों की वो प्रशंसा करेंगे ही नहीं। उनको कोई राग द्वेष तो है नहीं कि भैया अगर हम क्या करें वहां गए, अगर हम उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा, है ना। हाँ,
गोस्वामी जी बड़े साफ शब्दों में कह रहे हैं, ये बड़ा बड़ा वजनदार शब्द है महाराज, जो प्रबंध नहीं बुधा। प्रबंध माने व्यवस्था, इसको आप केवल आध्यात्मिक नहीं ले जाना, दोनों पक्षों में है ये, व्यवहारिक पक्ष भी है पारमार्थिक पक्ष में भी है। व्यवहारिक पक्ष में भी जिस व्यवस्था का विद्वान लोग आदर न करें, बोले वो व्यवस्था वंदनीय नहीं हो सकती, क्योंकि अविवेकी के आदर अनादर का कोई मतलब नहीं होता। जो अविवेकी है उसके आदर अनादर का कोई अर्थ तो होता नहीं, वो तो बस हाँ में हाँ, अगर उसका काम बनता है, काम बनता है तो गलत चीज को सही बोल देगा, और अगर उसको द्वेष है आपसे तो आपकी सही चीज को गलत बता दे। वो गोस्वामी जी कह रहे हैं जो प्रबंध बुद्ध नहीं याद नहीं, जिस व्यवस्था को, जिस रचना को, जिन वाक्यों को, जिस व्यवहार को विद्वान आदर नहीं करते, सो श्रम वाद वाल कवि करें, बोले वो तो व्यर्थ है रचना, केवल परिश्रम मात्र है। ये बचकाने कवियों का काम है। ये देखो आया और क्या सस्ती वाली, हाँ कैसी होनी चाहिए कविता बता रहे हैं। बोले कीरति भनिति भूति भली सोई, है ना, कविता का यश वही भला है कैसा, जैसा सुरसर सम सबकर हित होई, वो सबका हित करे, जो कविता सबका हित करे गंगा जी की तरह, बोले वही कविता भली हो सकती है, वही उसी का विद्वान आदर करते हैं। तो हम इस पर चर्चा में चलें, उसके पहले पाठ कर लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। रघुपति कथा सुहाई व्यास आदि कवि कुंभ नाना, व्यास आदि कवि कुंभ नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना, चरण कमल पंदौ दिन तेरे, चरण कमल पंदौ दिन के भूति बल सोई,
तीरत बनित भूति बनी सोई सुर सरि सम सब काहित होई सुर सरि सम सब काहित होई राम सुकीरति भनित बदेसा राम सुकीरत बनित बदेसा असमंजस यस मोहि अंदेसा असमंजस